हे एवरीवन, सो गाइज आज देखते हैं आप लोग का BHU BSC का पेपर हमारे सामने ओपन है, ठीक है। तो गाइज देखेंगे कि BHU BSC में कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आता है, कौन से मतलब पोर्शन से ज़्यादा आपका 11 से आता है, 12 से आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन आप तुरंत कर सकते हो 15 सेकंड के अंदर। सॉल्यूशन किसका मतलब जो सॉल्यूशन आपको याद करने का है वो मैं बताऊंगा, और जैसे ट्रिक बताऊंगा कैसे आप 50 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो केमिस्ट्री का। सो गाइज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, पहले देखेंगे उसके बाद आपको सारा पेपर PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो देखते हैं गाइज, तो केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करते हैं सॉल्वेशन। तो गाइज जो पेपर है, पहला क्वेश्चन आया था 2019 का पेपर है आपके सामने, 2015 का पेपर है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं, हु प्रूव दैट एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट नॉट एटॉमिक वेट। कह रहा है पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एटॉमिक वेट पे नहीं कर मतलब जैसे पीरियोडिक टेबल जो बना था तो उसमें बोला गया था एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए उसको। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका आंसर होगा मोजले, मोजले ने किया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है गाइज। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन आपका, जो सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ, देखिए देखते रहे क्वेश्चन को, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ हैलोजन्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो इसका गाइज आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन देते जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता को, कैपेबिलिटी को बताता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट गाइज। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, लेविस बेस, सॉरी लेविस बेस पूछा हुआ है गाइज। तो NH3 ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। वाई लेविस बेस मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन H+ आयन को क्या कर सकता है, दे सकता है, दे सकता है। तो NH3 आपका क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। तो NH3 ऑप्शन इज करेक्ट। NH3 देखिए लेविस एसिड मैंने बोल दिया, लेविस बेस उसका अपोजिट होता है, जैसे एसिड बेस का सबका अपोजिट। लेविस बेस क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो NH4+ बहुत आसानी से बन जाता है NH3 में, इसलिए आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए सेकेंड NH3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का, ऐसे बने रहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ बोरॉन हैलाइड्स विद NH3, ठीक है गाइस। तो अमोनिया का मतलब बोरान के साथ जुड़ना ये बता रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पी ब्लॉक का आपका NCERT का क्वेश्चन है। तो NCERT का क्या बताते जाऊंगा, NCERT का पी ब्लॉक डी ब्लॉक उसी में से NCERT से ही आता है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, PCl5 इज फॉर्म्ड एंड NCl5 इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज, क्यों क्यों होता है, क्योंकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बन सकता है लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, डी ऑर्बिटल्स होता है, फास्फोरस में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, तो मैं बोल रहा हूँ पी और डी ब्लॉक से यही क्वेश्चन आते हैं, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, तो NCERT जरूर पढ़िए गाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बॉन्ड ऑर्डर इन O2 मॉलिक्यूल इज, O2+ मॉलिक्यूल पूछा है, O2+ मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है गाइज। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने ट्रिक बताया हुआ है, आपको लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे आप निकाल सकते हो 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड नहीं 1 सेकंड में आप निकाल सकते हो O2+ मॉलिक्यूल का। तो जैसे देखो O2+ मॉलिक्यूल तो तुम MOT डायग्राम से निकालोगे, लेकिन मैं ऐसे भी निकालता हूँ। O2+ मतलब क्या, 16 - 1 15 आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1.2.5 होगा, क्योंकि 14 का 3 होता है नाइट्रोजन का। उसके बाद ऐसे घटते हुए बात आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक देख लीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2.5, ठीक है। अब बढ़ते हैं 57 क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है इसका ट्रिक देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन के आता है। ये क्वेश्चन है गाइस, इन एनालिसिस ऑफ मिक्सचर सल्फाइड्स ऑफ सेकेंड ग्रुप कैटायंस एंड प्रेसिपिटेटेड बाई एडिंग H2S वाटर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग डायलूट HCl, द प्रेजेंस ऑफ डायलूट HCl, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे बन के आता है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर से बन के आता है क्वेश्चन। तो गाइज ये प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकली बेसिस पे आप सोच सकते हैं गाइज। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाना है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज ये एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करते रहेगा इस क्वेश्चंस का, मैं प्रैक्टिस कराता भी हूँ आप लोग को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, गाइज लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √NN+2, √NN+2 होता है फॉर्मूला, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन बन के आता है, उसी चैप्टर में मैग्नेटिक मोमेंट दिया होगा, 12th में आप पढ़े होंगे इसको। तो जिसमें सबसे ज़्यादा एन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, देखो
क्रोमियम 3+ में होगा, या आयरन 3+, जिंक 2+, या CO3+। सो गाइस इसमें देख लीजिएगा कि लार्जेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप लोग इसमें निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको बताते रहेगा आंसर कौन सा किसका आ रहा है, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा सही है गलत है। इसमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में। विनिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर गाइस 11th का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर बन के आता है ये। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर देखो, क्रोमीन का चेक करना है, K2Cr2O7 में 6 होता है, ऑप्शन सही है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप सब चेक कर लेना, ठीक है। NiCN4 4- है, निकिल एज 2 होगा ही नहीं, क्योंकि X-4=-4, ऐसा तो NiCN4 4 संभव ही नहीं है, कैसे बन गए तुम? तो वही निकिल को +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचा रहे हो, ठीक है, ऐसे ही चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 50-50 क्वेश्चन सबसे आते हैं। अगर बायो से हैं तो बायो का आ जाएगा, मैथ की जगह पे मैथ हो तो मैथ का आएगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री PCM या PCB। अभी देखो गाइस, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन बन के आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। फॉर एफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पूछा है, ठीक है, तो F का पूछा है, तो जैसे SPDF, L=3 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट, और कुछ देखना ही नहीं आपको, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स इन द फॉलोइंग रीजन। कलर आपको कब दिखता है ये बताओ, पहले सबसे बड़ी बात है। कलर इज ऑब्जर्व्ड विजिबल रेंज में होगा जब, तो विजिबल रेंज में कब होगा, 400-750 नैनोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एलिमेंट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन S2 समझ रहे हो ना, SPDF है, 1S2 2S2 2P4 विल फॉर्म। गाइस ये क्या बनाएगा, आर्गन S2 है तो पहले तुमको देखना है कि क्या ये आर्गन का कितना होता है, ये बताओ, 18 होता है, 20 हो जाएगा वो, ठीक, क्या बनाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना, मतलब कैल्शियम में बन के आ रहा है, तो कैल्शियम क्या बनाता है, हमको लग रहा है ज़्यादा ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, इसका देख लीजिएगा आंसर, ठीक है गाइज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आयनिक कंपाउंड इज करेक्ट। अब गाइज 64th क्वेश्चन देखते हैं, 64th क्वेश्चन में क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड बाय बियॉन्ड रेडॉन इज। ये आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ने को मिलेगा कि इनर्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड बियॉन्ड रेडॉन, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा इसको, 118 के बाद कौन सा आता होगा, वही होगा, ठीक है। तो 118 के बाद आई थिंक 132 या कुछ आपका आंसर बन के आना चाहिए इसका, 118 132 में से इसमें से कोई होगा, क्योंकि वो इनर्ट एलिमेंट है, 118 आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स समझते हो ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शो करता है, ये तो पक्का है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन में समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, आयोडीन लिखा हुआ है लग रहा है मेरे को, क्योंकि वन लिखा हुआ है ना, तो ऐसे समझना पड़ेगा कि आई हो सकता है, ठीक है। तो आयोडीन देखो कैसे होता है, तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं शो करता है, तो आपको एक कार्बन तो शो करता है, सल्फर भी शो करता है, फॉस्फोरस भी शो करता है, आई थिंक आयोडीन शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, आयोडीन ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइस जब देखते हैं ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2 ये सब जानते हैं, सूखी बर्फ उसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब एक क्वेश्चन बन के आ रहा है हम लोग सामने, मिक्सचर ऑफ बेरियम स्टेंटियम एंड कैल्शियम फ्लेम टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट पढ़ लीजिएगा फ्लेम टेस्ट में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन के आता है, इस पर एक वीडियो हम लोग लाएंगे, तो वो देख लीजिएगा फ्लेम टेस्ट। ये आपका पी ब्लॉक से क्वेश्चन बन के आता है, एस ब्लॉक से। अनहीटिंग जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो ड्यू टू, येलो क्यों हो जाता है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन बन के आता है ये। तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने पे येलो क्यों हो जाता है, क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने सॉलिड स्टेट का आपका एक लेक्चर लिया था, उसको देख लीजिएगा एक बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 69, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH3CL2 इन एक्वस सॉल्यूशन, कितने आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो दो ही आयन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि दो ही आपके पास क्या है, क्लोरीन आयन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब गाइस देखते हैं लास्ट 70 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो क्वेश्चंस देखते हुए फील लीजिए, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मजे में क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जीवन में और कुछ नहीं मजे के अलावा। तो गाइस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये तो अलग की बातें हैं।
ठीक है गाइज, तो एक क्या क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड इज फाउंड इन एक्सेस ऑफ एक्वस पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जो तुरंत क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व किया जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा आपका। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिख रहा है, नीचे वाला क्लोरोफिन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 17, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा CuCN42-। क्लोरोफिल इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम को याद था गाइज, 71 का फोर्थ ऑप्शन। आपको कोचिंग में बड़ा बताया जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो किसका होता है, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, ऐसे याद करना रहता है आपको। ये देख लेना गाइज, इसमें तो आप पीरियोडिक टेबल है, आसान क्वेश्चन है कि इन फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, नीचे जाने पर ग्रुप के नीचे जाने बढ़ता है, सही बात है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज डिक्रीजेज डाउन गोइंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता है, सही बात है। तो ए इज ट्रू, तो दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन उसका क्या सही है गलत है, रीजन भी आपका क्या है सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये रीजन नहीं पूछा है, पूछा है दोनों ट्रू है क्या, दोनों ट्रू है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए आराम से, ठीक है, इसी में क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी पूछ लिया, कोवेलेंसी के साथ बहुत खेलता है ये। तो देखिए कोवेलेंसी क्या होता है, जितने एटम जुड़े होते हैं उसके साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल सकते हो। अब किसका निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का, तो -5 -3, कोबाल्ट का 2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, वैसे ही निकल रहा है क्योंकि एक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू टू, तो आपका वैसे ही टू टू आ रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो थर्ड ऑप्शन होगा। अब क्या पूछ रहा है, सहसंयोजकता, यूपी बोर्ड वालों के लिए कोवेलेंसी पूछ रहा है, सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। तो कोवेलेंसी क्या होगा, 6 कोबाल्ट से कितने जुड़े हुए, हमें बताया कि कोबाल्ट के साथ जितने जुड़े होंगे वही उसका कोवेलेंसी होगा, तो 6 जुड़े हुए हैं, 5 सीएन माइनस के और H2O, तो 6 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, विच आर नॉट द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोरोबिज डाइमेरिक स्ट्रक्चर इन वेपर फेज। वेपर फेज में पूछ रहा है किसका डाइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो गाइस इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही होगा, मैंने वीडियो में बता रखा है इसको। विच आर नॉट द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड मॉलिक्यूल, ऑड मॉलिक्यूल समझ रहे हो, NO, NO2, ClO3, N2O, इसको भी देख लेना गाइज, ऑड मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे O3 होता है, तो O3 तो पता है ऑड मॉलिक्यूल होता है, तो गाइज N2O इज करेक्ट। ठीक है, अब कोई आपको डाउट होगा तो इसे पूछ सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं इसको बताऊंगा, आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं टाइम दिया जाएगा। विच आर नॉट फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, एसिडिक कह रहा है कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, C2H5OH है, C6H5OH है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक कौन बन के आता है इसमें, तो गाइज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। एस्पिरिन इज गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो आपको बताया था एस्पिरिन क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब गाइज मोनोमर ऑफ पीवीसी, आपका 12th के पीछे अब आ रहा है चैप्टर, जैसे मान लो उस बायोमोलिक्यूल से उठा लिया, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से उठा लिया, इसको बायोमोलिक्यूल से उठा दिया, पॉलीमर चैप्टर से उठा लिया, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, वैसे ही दिख रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब गाइज देखते हैं करेक्ट, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ प्रोपाइलीन इज, प्रोपाइलिन का आईपीएससी नेम पूछ रहा है, करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ प्रोपाइलिन इज, थर्ड ऑप्शन इज प्रोपाइलिन पूछ रहा है, प्रोपाइलिन क्या होता है, प्रोपाइन होता है, तो गाइज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब गाइज देख लेते हैं, वो देखो जैसे गाइज प्रोपाइलिन हुआ है ना, तो प्रोपाइन नहीं होगा, गलत है, प्रोपीन होगा उसका आंसर, ठीक है गाइज उसका देख लेना सही से। अब देखते हैं गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आपको जो भी आंसर आपको डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आपके हर कमेंट से रिप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सॉल्यूशन देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट आप चेक करें, C2H2CH3 होता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एरोमेटिक इसमें से कौन सा है यही बताना है आपको, एरोमेटिक समझ ही रहे हो क्या होता है, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, 4m+2π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें चेक कर लेना गाइज। आप देख लेते हैं गाइज क्या करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, इसमें चेक कर लेना, एसिडिटी का ऑर्डर बहुत ही आसान होता है, इसमें चेक कर लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं गाइज क्या पूछ रहा है, पिक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, सबसे मोस्ट स्टेबल क्या होता है, टर्सियरी होता है, क्योंकि बढ़ते रहता है इधर से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो टर्सियरी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड में होगा गाइज, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट। एक क्या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, माइंड का टेस्ट ले रहा है आपका, ठीक है गाइज। अब 85 क्वेश्चन कौन सा है, बिकअप द स्पेसीज स्टेबलाइज बाई हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन जानते हो क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस,
ठीक है गाइस, तो इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन में बता कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं भी आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। हाइपर कंजुक्शन मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया आपको, तो इसका आंसर मुझे सही मिलना चाहिए। इनकरेक्ट मैच होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा है? RNH2 प्राइमरी अमीनो सही है, RCH2H प्राइमरी अल्कोहल, RCNH2 प्राइमरी अमीनो, अमीनो गलत दिया है, अमाइड होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब गाइज 87 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइज, 87 क्वेश्चन क्या लिखा है? कायरल कार्बन होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स कायरल कार्बन? कायरल कार्बन किस में है? कायरल कार्बन समझ रहे हो क्या होता है? एक कार्बन से जो एटम जुड़े होते हैं सारे डिफरेंट होना चाहिए। तो अब देखो कायरल कार्बन कौन सा है इसमें, तो कायरल कार्बन देखना है आपको सारे डिफरेंट हो, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर इधर तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, इधर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये Hg2+ रोजरमेंट मुझे रोजरमेंट रिएक्शन लग रहा है मेरे को तो ये गाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा क्या होगा आंसर इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ऑर्गेनिक के लिए आपके लिए एक रिएक्शंस की वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो कि आपको रिएक्शंस में भी प्रॉब्लम है, ये रिएक्शन भी चेक कर लीजिएगा। HBr से आपको रिएक्शन कराया है, HBr से रिएक्शन कराया है आप, यहाँ पे क्या होता है, एक तो जैसे मार्कोनी का ब्लू लगता है, एक एंटी मार्कोनी लगता है, तो H2O2 नहीं दिया हुआ, पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं दिया हुआ, एंटी मार्कोनी नहीं लगेगा, मार्कोनी कब लगेगा? ठीक है, तो मार्कोनी कब लगेगा, तो आपका कौन सा रिएक्शन बन के, कौन सा आपको ऑप्शन सही बन के आ रहा है इसमें? ठीक है, देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट गाइज। गाइज देखते हैं 90 क्वेश्चन देख रहे हो गाइज, 50 क्वेश्चन है, लेकिन कैसे इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। 16 मिनट्स में आपका पूरा कवर, 25 मिनट्स में पूरा कवर कर देंगे। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट आइसोमेरिक? आइसोमेरिक देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर किसका सेम नहीं है वही हो जाएगा। अब देख रहे हो सब सेम दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है। आइसोमेरिक मतलब क्या होता है, फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। CH3NH2 CH3CH2NH2, वाई इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक बात कर दिया गाइस, इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्या 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 है क्या, क्या, क्या नहीं है। इसमें कैसे चेक करोगे, कार्बन को देखोगे, प्लस चार्ज दिया हुआ है, माइनस चार्ज दिया हुआ है, उस पर इलेक्ट्रॉन देखोगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, उस पर पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है नहीं होता है। अब ये देखो D2O से है, D2O साथ डरना नहीं है, D2O जैसे रिएक्ट करता है वैसे H2O करता है, बस H की जगह पर क्या रखोगे, D रख दोगे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 93 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इजिली नाइट्रेटेड? कौन सा इजिली नाइट्रेट हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट गाइज, क्योंकि टॉलविन ज़्यादा इजिली नाइट्रेट हो सकता है, क्योंकि पारा इफेक्ट लगता है, अर्थो पारा इफेक्ट लगता है उसमें। ये कर दे गाइज, इसको भी कर लीजिएगा, डायोजिटाइजेशन प्रोसेस है ये, तो इसका भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायल्यूट NaNO2 से कराया, डायल्यूट HCl से कराया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्या कर रहा है गाइस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करेगा? तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं बता रहा हूँ, अगर देखो डबल बॉन्ड दिया हुआ है इसमें तो ऑप्शन डिलीट नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो उससे जो कार्बन है दो साइड सेम होना चाहिए, दो साइड अलग होना चाहिए, क्योंकि आप सिस ट्रांस जैसे दिखा सकते हो इसमें, तो सिस ट्रांस दिखाने के लिए आपको गाइस दिख रहा होगा कि कौन सा आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन बन के आएगा आपका, तो उसको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका कौन सा आंसर आपका आ रहा है, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। ये बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन है, तो बेयर्स रिएजेंट पे देख लीजिएगा क्या आंसर आपका आ रहा है 96 क्वेश्चन का। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट का एक अलग ही अपना स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, उसके हिसाब से आंसर आप बताइए क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डो एक्सोच? डी ग्लूकोज। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। आंसर बताइए क्या आ रहा है SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? तो आप जानते हो इसमें कैसे बढ़ता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो वही देख लीजिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्पीसीज ऑल द कार्बन एटम्स आर इन द सेम हाइब्रिड स्टेट? देख लीजिएगा कौन सा हाइब्रिड स्टेट सेम है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, आपको और भी इंटरेस्ट होगा PDF में प्रोवाइड कर दूंगा पूरा पेपर, वो आप देख लीजिएगा गाइज। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक गाइज, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर आपको डाउट है, जो कमेंट क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो।